गाइज अगर आप ग्रैंडली खेलते हो ड्रीम11 में और अगर आपको ये दिक्कत आ रही है सीबीसी की यानी कि कैप्टन वाइस कैप्टन की, कभी कभी आपका कैप्टन सही हो जाता है, कभी कभी आपका वाइस कैप्टन सही हो जाता है। सही होता का मतलब यह है कि कभी कभी आपका कैप्टन जिसको आपने चूज किया वो अच्छा कर जाता है और कभी कभी जिसको आपने वाइस कैप्टन चूज किया अपनी टीम में ग्रैंड लीग टीम में वो अच्छा कर जाता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि दोनों खिलाड़ी जिनको आपने कैप्टन वाइस कैप्टन किया एक ही मैच में अच्छा कर जाए। और अगर ऐसा होता भी है तो 10 मैचों में लगातार ग्रैंड लीग खेलने के बाद किसी एक मैच में होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका हर मैच में गारंटी दे रहा हूं मैं, हर मैच में आपका कैप्टन वाइस कैप्टन सही होगा ग्रैंड लीग में ड्रीम11 में। तो सबसे पहले यहाँ पर गाइज हम लोग आपको बताएंगे 6 ऐसे पॉइंट्स जिनको आपने ध्यान से समझना है, और अगर आपने उनको ध्यान से समझ लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया उसके अकॉर्डिंग आपने अपने कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करे आने वाले मैचेस में, तो आपका रैंक बहुत बढ़िया आएगा ग्रैंड लीग में 100%, मैं इसका दावा करता हूं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सपोज करो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक T20 मैच होने वाला है, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे खिलाड़ियों का रीसेंट फॉर्म कैसा है। अब रीसेंट फॉर्म में हम लोगों ने देखना है कि पिछले 10-10 मैचों में किस खिलाड़ी ने अच्छा किया है, किस खिलाड़ी ने बुरा किया है, क्योंकि जो खिलाड़ी ने पिछले 10 मैचों में कुछ भी नहीं किया है तो उसका फॉर्म तो बहुत बुरा है, लेकिन जिस खिलाड़ी ने पिछले 10 मैचों में से 4 मैचों में अच्छा किया तो उसका फॉर्म अच्छा है, जिसने पिछले 10 मैचों में से 6 मैचों में अच्छा किया उसका बहुत अच्छा है, और जिस खिलाड़ी ने पिछले 10 मैचों में से 2 मैचों में भी अच्छा किया वो एक अपनी ग्रैंड लीग पे होती है। तो रीसेंट फॉर्म से हमें ये पता चल गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का भी रीसेंट फॉर्म और इंडिया के खिलाड़ियों का भी रीसेंट फॉर्म देख लिया, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कौन कौन से खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं। इंडिया के भी हम लोगों ने मार्क कर दिए, लिख लिए, और ऑस्ट्रेलिया के भी जो खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं उनके भी नाम हम लोगों ने लिख लिए। अब जो दूसरी चीज़ है, दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि जिस ग्राउंड के ऊपर मैच होने वाला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच, उस ग्राउंड के ऊपर जिन खिलाड़ियों को हम लोगों ने मार्क किया जिनका रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है इंडिया की ओर से, उन खिलाड़ियों का हम लोग रिकॉर्ड देखेंगे उस ग्राउंड के ऊपर कैसा है, और ऑस्ट्रेलिया की ओर से जिन खिलाड़ियों को हम लोगों ने मार्क करके जिनका नाम लिख कर रखा है जिनका रीसेंट फॉर्म अच्छा है उनका इस ग्राउंड के ऊपर रिकॉर्ड कैसा है। अब इसके बाद में अगला जो स्टेप है वो ये है कि हम लोग जो ऑपोजिशन टीम है यानी कि जैसे इंडिया है तो इंडिया की ओर से जिन खिलाड़ियों का रीसेंट फॉर्म अच्छा है इस ग्राउंड के ऊपर भी रिकॉर्ड अच्छा है, अब उन खिलाड़ियों का जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड है वो कैसा है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो देख लिया, जहाँ पे भी हम लोगों ने पाया कि इनमें से बहुत सारे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा है। अब उधर से ऑस्ट्रेलिया की ओर से भी हम लोगों ने सेम यही चीज़ देखी और वहाँ से भी हम लोगों ने पाया कि बहुत सारे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड है जो इंडिया के खिलाफ अच्छा है T20 मुकाबलों में। उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है, इसको भी ध्यान से समझना। अब यहाँ तक आप पहुँच चुके हो, चौथे पॉइंट में आप नोट करोगे ये है टॉस के ऊपर निर्भर करता है। अब जैसे सपोज करो इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है, अभी तक जो 3 स्टेप आप पार करके आए हो तो वहाँ पे आपने पाया कि इंडिया की ओर से रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड है ना वो बहुत ज़बरदस्त है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो अब चौथे पॉइंट में आप देखोगे कि अगर इंडिया पहले बैट कर रहा है तो पहली पारी में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड कैसा है, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड पहली पारी में अच्छा है या बुरा है। अगर इंडिया सेकंड बैट कर रहा है तो सेकंड बैटिंग में कैसा रिकॉर्ड है रोहित शर्मा का, तो यहाँ पे भी आपने पाया कि पहले बैट कर रहा है इंडिया और रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड है पहली पारी में जबरदस्त है। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवें पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है प्लेयर्स बैटल्स। अब क्योंकि इंडिया की पहले बैटिंग आ गई है और इंडिया पहले बैट कर रहा है और इंडिया रोहित शर्मा करेगा ओपन और सामने से जो लोग आएंगे वो होंगे मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड। तो हम लोग प्लेयर बैटल में देखेंगे क्या यहाँ पे मिचेल स्टार्क आउट करता है रोहित शर्मा को, यहाँ पर रोहित शर्मा उसको डोमिनेट करता है। हेजलवुड क्या आउट करता है यहाँ पर रोहित शर्मा को, या फिर हेजलवुड को डोमिनेट करता है रोहित शर्मा। तो ये हम लोगों ने देख लिया और जहाँ पे भी हम लोगों ने पाया कि रोहित शर्मा डोमिनेट करता है दोनों ही गेंदबाजों को, हेजलवुड को भी और मिचेल स्टार्क को भी। पावर प्ले में ये बॉल करेंगे और रोहित शर्मा स्टार्ट में अगर आउट हो जाते हैं तो हो जाते हैं, अदरवाइज वो बड़ी पारी खेलते हैं। तो जहाँ पे भी हमारी दिक्कत सॉल्व हो गई। अब उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा जो पॉइंट है ये है प्लेयर खिलाड़ी का परफॉर्मेंस का जो है पैटर्न। अब पैटर्न क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने स्मृति मंदाना के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो कि अभी तक मैंने नहीं बताई है। ये जो जितना भी डेटा होता है ये सारा का सारा डेटा आपको हर मैच में IPL के हर मैच में आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, तो आपको कहीं पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसको ऑल कर दोगे तो कहीं पे भी आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। IPL के हर मैच की वीडियो में आपको सारा डेटा मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर। तो गाइस अगर बात करते हैं पैटर्न के बारे में, खिलाड़ी का जो फॉर्म का पैटर्न होता है, परफॉर्मेंस करने का पैटर्न होता है, वो क्या होता है? स्मृति मंदाना का मैंने जहाँ पर एग्जांपल दिया है, तो नीचे से आप शुरू कीजिए यहाँ पे 29 से, एक मिनट में मार्क भी लगा देता हूँ। तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए 29 और उसके बाद 20 और उसके बाद 70। ये एक सीरीज़ हुई थी स्मृति मंदाना, उसमें इंडिया की ओर से खेली थी, इंडिया और इंग्लैंड, इंडिया विमेंस और इंग्लैंड विमेंस के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला। तो पहले मैच में 29 किए, दूसरे मैच में 20 किए, तीसरे मैच में 70 रन की पारी खेली। अब इसका जो पैटर्न है वो साफ है कि ये 2 मैचों में जल्दी आउट होती है, 1 मैच में अच्छा करती है। लेकिन यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर कैसे है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 19, यहाँ पे 1, जहाँ पे 4 पारियाँ ऐसी गई है जहाँ पर जल्दी आउट हुई है। लेकिन ये फॉर्मेट अलग था, ये फॉर्मेट था The 100 बॉल, वेमेंस वाला जो कंपटीशन था। वैसे अगर आप इसका पैटर्न देखोगे, ये 2 मैचों में जल्दी आउट होती है और 1 मैच में बड़ी पारी खेलती है, और वो मैच होता है सीरीज़ का लास्ट मैच, वो मैच होता है सीरीज़ का लास्ट मैच। और ये पैटर्न केवल आज से नहीं इसका चल रहा है, पिछले 2 सालों से अगर आप देखोगे हर सीरीज़ में इसने ऐसा किया है। ऐसे ही हर प्लेयर का एक पैटर्न होता है। कोई प्लेयर ऐसा होता है जो 3 मैचों में फ्लॉप होने के बाद चौथे मैच में अच्छा करता है, कोई प्लेयर ऐसा होता है जो 1 मैच में फ्लॉप होता है, नेक्स्ट मैच में अच्छा करता है और अगले मैच में फिर से फ्लॉप, और फिर से अगले मैच में अच्छा करता है। तो हर प्लेयर का पैटर्न होता है, अलग से होता है। पैटर्न को जानने के लिए आपको जरूरी है कि खिलाड़ी का जो रीसेंट फॉर्म आप देखते हो, वहाँ पे 10 मैच का डेटा होना चाहिए, पिछले 10 मैच का डेटा होना चाहिए। तभी आप आइडिया लगा पाओगे कि इस खिलाड़ी का जो पैटर्न है वो क्या बनता है, क्या इस मैच में ये खिलाड़ी परफॉर्म करने वाला है या नहीं करने वाला है, वो जहाँ पे आपको आइडिया लगता है। तो यहाँ पे गाइस आपने देखा रोहित शर्मा का पैटर्न, तो रोहित शर्मा का पैटर्न में आपको नजर आया कि रोहित शर्मा इस मैच में उसका जो बनता है परफॉर्म करने का, तो वो इस मैच में परफॉर्म भी करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद, क्योंकि सारी चीज़ें पक्ष में जा रही है रोहित शर्मा के, तो इस मैच में जो अच्छा करने वाला है, वो जो सबसे अच्छा करने वाला है वो है रोहित शर्मा। ऐसे ही आपको फाइंड करना है वाइस कैप्टन, और ऐसे ही फाइंड करना आपको कैप्टन। 100% आपका ऐसे सही होगा। और मैं खुद अभी सेकंड इनिंग खेल रहा हूँ, ज़्यादा सेकंड इनिंग फैंटेसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, और सेकंड इनिंग में हमेशा पिछले मैंने 4 मैचों में लगातार कैप्टन वाइस कैप्टन सही किए हैं सेकंड इनिंग फैंटेसी में। और अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हो अपनी ग्रैंड लीग में, ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग खेलते हुए, तो वहाँ पे भी जी आपके काम बहुत ज़्यादा आने वाली है। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और लोगों को भी पता चल पाए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ग्रैंड लीग खेलते हैं और बहुत सारे लोग लॉस में है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।